ज़ाहिर है हमारे पास वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ या वो प्रोफेशनल टूल्स तो अवेलेबल नहीं है जो अभी एक पीछे सुजुकी वाला आ रहा है, इसने जो है मेरी गाड़ी के शीशे पे मारा है एंड आई डोंट नो क्यों मारा है इसने। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डेलाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम खैरुल वरा है और मैं पार्क व्हील्स का आप लोगों की तरह मेंबर हूं, थोड़ा सा पुराना मेंबर हूं, 15 साल हो गए मेरी मेंबरशिप को। कस्टमर सर्विसेज के शोबे से मुंसलिक हूं। ये मेरी जो गाड़ी है डायहार्सो मीरा, ये 2013 मैन्युफैक्चर्ड है और पाकिस्तान में ये 2016 में इंपोर्ट हुई थी। आई वाज द फर्स्ट ओनर। मैंने जब ये गाड़ी ली थी तो ये मुझे रजिस्ट्रेशन के साथ 12 लाख रुपए की पड़ी थी। मैंने इसके थोड़ा सा मार्केट से ज़रा से ज़्यादा पे किए थे, कोई 50,000-1,000 रुपए। उसकी वजह ये थी कि ये गाड़ी 5AA ग्रेड में इंपोर्ट हुई थी और ये सिर्फ 7,000 किलोमीटर चली हुई थी जब ये इंपोर्ट हुई थी। ऑक्शन शीट वेरीफाइड थी इसकी और ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी जो होती है ये वो थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट से ऊपर पे किया था। प्लस मुझे एक मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे वाइट कलर ही चाहिए था, मैं वाइट गाड़ी ही रखता हूँ। अच्छा, इसका इंजन जो है 660 सीसी है, 3 सिलेंडर इंजन है इसका और इसके साथ ट्रांसमिशन जो है ये CVT ट्रांसमिशन इसके साथ कपल्ड है। CVT ट्रांसमिशन आपको दो चीज़ों के लिए बड़ी अच्छी साबित होती है। एक तो ये कि इसमें गियर्स नहीं होते, इसमें रेशोज़ होते हैं, तो ये इसके अंदर कोई शिफ्टिंग आपको फ़ील नहीं होती। दूसरा, फ्यूल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होती है ये CVT ट्रांसमिशन। अभी भी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है ये, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ 46,000 किलोमीटर होने वाली है, अभी हुई नहीं है। अच्छा, इसमें पावर स्टेयरिंग है और इसके अलावा ABS है सेफ्टी में, एयरबैग्स हैं इसमें। ये क्योंकि LSA वेरिएंट है तो इसमें सिर्फ दो एयरबैग्स हैं, एक फ्रंट पैसेंजर के लिए है और एक ड्राइवर के लिए है। इसमें ऐसे भी वेरिएंट्स आते हैं मीरा में जिसमें सीट्स में भी एयरबैग्स होते हैं और ये पिलर में भी होते हैं, इसमें नहीं है। ये LSA वेरिएंट है, SA स्टैंड्स फॉर स्मार्ट असिस्ट, L जो होता है इसका बेस वेरिएंट होता है। तो उसमें बेस वेरिएंट में इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसके अंदर आपके पास रेडार और ऑटो ब्रेकिंग का ऑप्शन आ जाता है। एक आध बार इसने ऑटो ब्रेकिंग खुद भी की है तो फील हो जाता है कि हाँ जी ये सिस्टम इसका काम कर रहा है। इसके अलावा ठीक है, आपकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये एक इसमें जो इको आइडल का फीचर होता है, यानी अगर आप ब्रेक पैडल, गाड़ी डेड स्टॉप होगी, ब्रेक पैडल आपने प्रेस रखा हुआ होगा तो गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है और आप जैसे ही ब्रेक पैडल से अपना फुट लिफ्ट करेंगे तो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। अब ये हमारा जो ट्रैफिक है कराची का, इस एतबार से ये बिल्कुल ही नॉन प्रैक्टिकल एक फ़ीचर है। मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। इनफैक्ट मेरी ऐसी आदत है कि मैं गाड़ी स्टार्ट करते ही सबसे पहले इसको ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इससे एक तो बार बार गाड़ी बंद हो रही है आपकी, वो एक अलग इरिटेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई ट्रैफिक वैसे ही स्टॉप एंड गो है। दूसरा होता क्या है कि जब इंजन ऑफ होता है और आपको ज़रा ज़्यादा गर्मी का सीज़न हो तो फिर इंजन के साथ साथ AC भी ऑफ हो जाता है, सिर्फ फ़ैन ऑन रह जाता है। मेरी रिहाइश फेडरल बी एरिया में है और मैं अपने घर से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाता हूँ रोज़ाना, फाइव डेज़ अ वीक। मैं इसको कश्मीर भी लेके गया हूँ, आज़ाद कश्मीर तक। इसके अलावा मैं लाहौर इस्लामाबाद अलग से गया हूँ। मैं क्वेटा होके आया हूँ उस गाड़ी के ऊपर, मैं गवादर होके आया हूँ उस गाड़ी के ऊपर। एवरेज की अगर आप बात करें शहर में ये 15 के करीब दे देती है आराम से, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में ना फंसें तो और अच्छा भी दे सकती है, लेकिन अब क्योंकि मेरा ऑफिस ऐसी जगह पे है जहाँ पे स्टॉप एंड गो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो 14-15 एवरेज दे देती है मुझे ये। अगर आप शहर से बाहर की बात करते हैं और उसमें आप 110 तक की स्पीड मेंटेन करते हैं तो ये आपको आराम से 20-21 भी दे देती है। अच्छा, हैंडलिंग में ये है कि अच्छी है इसकी हैंडलिंग कंपेयर टू इट्स साइज़। आपको फ़ील होता है कि यस जी गाड़ी आपके कंट्रोल में ही है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप एक्साइटमेंट में मोटरवे के ऊपर ओवर स्पीड आपने कर दी गाड़ी,
नहीं करनी चाहिए, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्टली नहीं करनी चाहिए, बट ये है कि कभी ऐसा होता है कि हाँ हो गई, गलती से हो गई। मोटरवे इतने अच्छे बने हुए हमारे कि बाज़ दफ़ा आपको नहीं आइडिया हो पाता, आप अगर बात कर रहे हैं किसी से गाड़ी चलाते हुए और स्पीडोमीटर पर आप इतना ध्यान नहीं दे रहे तो आपकी गाड़ी 140 150 क्रॉस कर लेती है आराम से और आपको नहीं फील होता वहाँ पे। तो उस एतबार से अगर आप देखें तो यस, इसकी हैंडलिंग अच्छी है मोटरवे पे। मैंने इसको कॉन्स्टेंटली, जब ये आपका अब्दुल हकीम वाला पैच नया नया बना था बैक इन 2018 और 2019 आई थिंक, तो मैंने इसको वहाँ पे बहुत देर तक के लिए 140 पे रखा था और ये 140 इसकी फुल स्पीड है, उससे ऊपर नहीं है इसमें स्पीड, तो ये बिल्कुल मतलब सही रिलैक्स तरीके से चल रही थी। ऐसा नहीं था कि आपको लग रहा हो कि भाई इंजन स्ट्रगल कर रहा है या गाड़ी में से जैसे शोर की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह कुछ नहीं था, बिल्कुल सही चल रही थी। अगर आप ट्रैफिक में इसको मनूवर करने की बात करें तो हाँ, उस हिसाब से बहुत अच्छी है ये, क्योंकि इसका एक तो साइज़ बहुत छोटा सा है और दूसरा इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी बड़ा अच्छा है, तो ये खासा टाइट कॉर्नर्स से आप इसको निकाल सकते हैं ईजिली, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस यस, इसकी बहुत लो थी। अब उसमें दो तरीके हो सकते हैं, आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप स्पेसर्स लगवा लें सस्पेंशन वाले के पास जाके, या फिर आप थोड़ा सा टायर साइज़ बड़ा कर लें। स्पेसर्स लगवाने का नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि गाड़ी के जो एरोडायनामिक्स होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, गाड़ी की ब्रेकिंग वगैरह इफेक्टिव नहीं रहती, गाड़ी स्किड करती है। मैंने इसमें क्या किया था कि मैंने इसके टायर जो है वो इसका स्टॉक साइज़ 155/65/14 है, मैंने इसके अंदर 165/65/14 डाल दिया था, तो उससे तकरीबन ये एक इंच ऊपर चली जाती है गाड़ी। तो अब ग्राउंड क्लियरेंस में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता, लेकिन कुछ स्पीड ब्रेकर्स आपको पता है ऐसे होते हैं कि जिनका ह्यूज साइज़ होता है, अगर आप उसको आपने गुजारनी हो उस पे से तो फिर आपको गाड़ी को थोड़ा सा टेढ़ा करके चलाना पड़ता है ताकि लगे नहीं नीचे से। अच्छा, इसमें देखें जापानीज़ इंजीनियरिंग का जो एक अच्छी बात है वो ये है कि इन्होंने जो स्टोरेज के ऊपर इस पर फोकस्ड है ना वो लोग, वो मेरे ख्याल है पैसेंजर स्पेस को ज़्यादा फोकस करते हैं। और ज़ाहिर है इसमें ओवरऑल भी अगर आप देखें तो इतनी छोटी इसकी बॉडी है, इसमें बूट स्पेस तो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, मतलब अगर आप चाहें तो स्पेयर व्हील नहीं रख सकते इसकी टिक्की में, और इन गाड़ियों में वैसे स्पेयर व्हील आता भी नहीं है। इनमें एक वो पंक्चर किट कहलाती है, उसमें एक हवा भरने का पंप होता है, साथ में एक लिक्विड टाइप होता है वो रखा हुआ होता है, लेकिन अंदर स्पेस इसका अच्छा है, अच्छे टॉल लोग भी जो है आराम से बैठ जाते हैं आगे भी और पीछे भी, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जापानीज़ गाड़ी में ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू मीरा, कोई भी जापानीज़ गाड़ी आप लें तो आप उसको उसका कैटलिटिक कन्वर्टर जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर लाइक एवरी 10-12,000 किलोमीटर्स और इवन 15,000 किलोमीटर्स आप उसको ज़रूर साफ़ करवाते रहें। ये आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम होता और उससे नुकसान क्या होता है कि वो तो अपना गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मली और अपनी तरफ से मेंटेन भी कर रहे हैं गाड़ी को, उसका ऑयल वगैरह फ़िल्टर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं जो एक रेगुलर मेंटेनेंस होती है, बट उनको इसके बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनका नुकसान क्या होता है कि नहीं करा रहे हो तो चोक हो जाता है, और फिर वो जब चोक हो जाता है तो उसके बाद वो क्लीनिंग से उसका मसला हल नहीं होता, फिर उसकी रिप्लेसमेंट होती है। और यहाँ पर ज़ाहिर जापानीज़ गाड़ियों के ब्रांड न्यू पार्ट्स तो मिलते नहीं हैं आपको, तो वो जो भी वो यूज्ड पार्ट्स के तौर पर इम्पोर्ट होते हैं जिसको काबुली कहा जाता है वो फिर आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और फिर इन गाड़ियों के पार्ट्स ज़रा से जो है वो महंगे हैं। देखिए अभी ये 7,000 किलोमीटर पे मैंने ली थी, अभी 46,000 किलोमीटर हो गई है, सिर्फ ऑयल और फिल्टर्स चेंज होते हैं इस गाड़ी के, बाकी एक दफ़ा मैंने इसमें टायर डलवाए हैं और इसके अलावा कभी कोई ऐसा बड़ा ख़र्चा नहीं निकला इस गाड़ी से। मैं करता ये हूँ कि जब मैं ऑयल चेंज कराता हूँ ना एवरी 5,000 किलोमीटर, ऑयल फ़िल्टर, एयर फिल्टर और कैबिन फ़िल्टर ये मैं चेंज कर लेता हूँ, साथ में मैं इसके ब्रेक्स की सर्विस कर लेता हूँ, करवा लेता हूँ यानी मैकेनिक से, और इसके अलावा मैं इसका कैटलिटिक कन्वर्टर साफ़ करवा लेता हूँ, थ्रॉटल बॉडी साफ़ करवा लेता हूँ। पार्क व्हील्स के ऑटो स्टोर पे मैंने सर्च किए थे, उसमें जो आपके रेगुलर पार्ट्स हैं जैसे फिल्टर्स हो गए इसके, ब्रेक पैड्स हो गए इसके, और इसके अलावा फ्लूइड्स हो गए इसके, फ्लूइड्स से मेरी मुराद ये है कि सीवीटी का फ्लूइड हो गया और इंजन ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, वाइपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट तो मुझे ये 27,000 की रजिस्ट्रेशन पड़ी थी इसकी, मैं इसको आज बेचने निकलूँ, हाँ मैंने 12 लाख की ली थी लेकिन ये 15 लाख की चली जाएगी, लेकिन मुझे 15 लाख में दूसरा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। इनफैक्ट अगर मैं कोई
जैसे देखें ना आपके, अगर ये 2013 और 2004, मैं 9 साल पीछे जाने के लिए भी तैयार हूँ, बट आपको नहीं मिल रही 9 साल पुरानी गाड़ी भी। जो मिलेगी वो बहुत ज़्यादा काम वाली गाड़ी मिलेगी आपको, उसको सेट कराने में ही बड़ा टाइम अपना लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। देखें, मेरी एडवाइस जो मेरे दोस्त अहबाब हैं और मेरी फैमिली है, मैं उन सबको इसी तरह से एडवाइस करता हूँ कि गाड़ी ख़रीदने का बड़ा आसान प्रोसीजर ये है, आप सिंपली पार्क व्हील्स पे जाएं। आपको मीरा लेनी है तो आप सिंपली पार्क व्हील्स पे जाके फ़िल्टर लगाएं। लेट्स से 15 लाख रुपए में आपको गाड़ी चाहिए, आप प्राइस का फ़िल्टर लगा लें और मीरा लगा लें, तो पार्क व्हील्स आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। अब उसमें करना आपने क्या है, पहले तो सर्च कर लें। अब तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं फ़िल्टर में, ईयर का अवेलेबल है, प्राइसिंग का अवेलेबल है, मॉडल के एतबार से अवेलेबल है, ऑटोमेटिक मैनुअल के एतबार से अवेलेबल है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, आप तो खैर बहुत अच्छी सर्विसेज पार्क व्हील्स ऑफर कर रहा है कि वो सेल्फ और मी की एक सर्विस मैंने देखी थी कि आपका कोई हैसल ही नहीं है, बस सब कुछ पार्क व्हील्स खुद ही मैनेज कर लेगा, तो ये तो बड़ी अच्छी सर्विस है, खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो मेरी तरह नौकरी पेशा लोग होते हैं कि भाई हर चीज़ खुद ही पार्क व्हील्स मैनेज कर लेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा था, आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि अगर आप अपनी गाड़ी के उसकी वैल्यू के हिसाब से पैसे लिख के पार्क व्हील्स पे तरीके का ऐड लगा दें, तरीके के ऐड से मेरी मुराद ये है कि जो पिक्चर्स के ऑप्शन हैं आप उसमें सही से लगाएं ना भाई, एक फ्रंट से लगा दें, एक बैक से लगा दें, दोनों साइड्स कवर कर लें, इंटीरियर कवर कर लें, इंजन रूम कवर कर लें, तो कोई मुजायका नहीं है। मतलब आप एक बायर के लिए आसानी पैदा कर दें कि भाई वो गाड़ी देखने आने से पहले उसको पिक्चर्स में इतनी ज़्यादा सही तरीके से विजिबल हो जाए कि उसके लिए डिसीजन आसान हो जाए कि भाई उसने देखने जाना भी है या नहीं। लोग अच्छी पिक्चर्स नहीं लगाते, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि जी उनको बायर्स अप्रोच नहीं कर रहे, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है, जब आपको लगे कि हाँ यार गाड़ी अब है, ये मुझे समझ में आ रही है, मुझे इस पर फाइनल डिसीजन लेना है, तो फिर मेरी तजवीज़ ये होगी कि आप एक बार पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस को कॉल कर लें, वो एक्सपर्ट हैं और प्रोफेशनल्स हैं। देखें, मैं आप या कोई भी मेरी तरह का आम इंसान जितना भी गाड़ी के बारे में शौकीन हो, नॉलेज रखता हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख लेगा, वो ये देख लेगा कि जी गाड़ी कोई मेजरली एक्सीडेंटल तो नहीं है, और तो कुछ नहीं देख सकता ना। अब जब बात आती है प्रोफेशनल्स की, तो ये लोग तो इतने सारे गैजेट्स लाते हैं अपने चेक करने के लिए कि वो एक आम आदमी के पास तो नहीं होते, तो ये लोग तो हर चीज़ चेक करके और फिर आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट देते हैं, और वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। व्यूअर्स, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आई एम श्योर कि ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि जी अगर आपको यूज़र रिव्यू सीरीज़ का पार्ट बनना है तो व्हाट डू यू हैव टू डू। तो देखिए, बड़ा आसान सा प्रोसीजर है, मैंने भी यही फॉलो किया था। जब पार्क व्हील्स की जो वीडियोस आ रही होती हैं उनके एंड में ना, जैसे यूज़र रिव्यू सीरीज़ वाली वीडियोस होती हैं, इनके एंड में ये बता रहे होते हैं कि अगर आप इस सेगमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अवेलेबल होता है, आप उसे फिल आउट कर लीजिए, तो समवन विल गेट बैक टू यू। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी, कि मैंने सिंपली वो फॉर्म फिल किया था, और वो फॉर्म फिल करने के बाद मुझे फिर पार्क व्हील्स की तरफ से कॉन्टैक्ट कर लिया गया था। तो आप ये भी कर सकते हैं, और साथ में आप वेबसाइट के ऊपर भी जाके यूज़र रिव्यू कोई अपना लिख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ साथ देखिए, जब ये वीडियो अपलोड होगी आप वीडियो को देखें, और आप इस वीडियो के कमेंट्स में अगर मुझसे कम्युनिकेट करना चाहें, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें, तो आई एम अवेलेबल। मैं वीडियो तो ज़ाहिर है देखूंगा, साथ में उसके कमेंट्स भी पढ़ूंगा, और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को जो भी कमेंट्स में आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनको भी रिस्पॉन्ड करूं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।